दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पांड्या को टीम का कप्तान बनाया जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैच तो जीता भारत, लेकिन गिल की धीमी बल्लेबाजी पर, अभिषेक शर्मा को ऊपर ना बुलाने पर अब भारतीय दिग्गज बुरी तरीके से उन पर भड़क गए हैं। और गावस्कर से लेकर तेंदुलकर, धोनी से लेकर गांगुली, एक एक दिग्गज ने उनकी कप्तानी के फैसलों की आलोचना करते हुए और बल्लेबाजी की भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आखिरकार इन सभी दिग्गजों ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल की जगह क्या हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम पहले मुकाबले में हारी तो दूसरे को बड़े मार्जिन से जीती, लेकिन अब जो तीसरे मैच में हुआ ना, उसने तो सबको चौंका कर रख दिया। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि गिल ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और जायसवाल को अपने साथ लेकर उतर गए। अब दोस्तों, कहने को तो अभिषेक शर्मा को ही सलामी जोड़ी में उतारना चाहिए था, और वही उनका स्टाइल भी रहा है जिसमें वो IPL और हाल फिलहाल में भारतीय टीम में भी धमाल मचा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, जायसवाल के साथ खड़े थे शुभमन गिल, उन्होंने उनको मौका दिया और वो 36 रन बनाकर गए। अब दोस्तों, कहने को इसके बाद शुभमन गिल ने 7 चौके 5 छक्के वाली पारी खेली, लेकिन इस पारी में रन बनाए 66, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम को फायदा तो हुआ, रन्स तो मिले, लेकिन इससे इन्हीं की आलोचना हो रही है। क्योंकि दोस्तों, ये 66 रन 130 के स्ट्राइक रेट से बनाए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही कम है T20 के लिहाज से। और शुभमन गिल अपने आप को एक सलामी जोड़ी का बल्लेबाज अगर कहलवाना चाहते हैं तो उस लिहाज से तो ये और ज्यादा कम है। खैर दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी पारी हमें दिखी, जिसमें उन्होंने लगभग 25 गेंदों में 50 रन ठोके, जिससे कि भारत का स्कोर 182 पहुंचा और हमने इस मैच को फिर गेंदबाजी के दम पर 23 रन से जीत भी लिया। लेकिन मुद्दा वही है, जीत के बावजूद भी कि गिल ने अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं सलामी जोड़ी में मौका दिया, और जब खुद इस मौके को हासिल करने की बारी आई तो वो इतना स्लो क्यों खेले। अब इसी पर दोस्तों, भारतीय दिग्गजों ने अपनी अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। किसने क्या कहा है, चलिए उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सुनील गावस्कर का कहना था, भारत तो जीत रहा है लेकिन अफसोस शुभमन गिल हार रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी में भी और अपनी सोच और फैसलों में भी। भारतीय क्रिकेट टीम को तूफानी ओपनिंग जोड़ी की जरूरत है, रोहित शर्मा के चले जाने के बाद एक ऐसा ओपनर जो मैदान में आके 100 जड़ सके, ऐसा जिगरा है अभिषेक शर्मा में। लेकिन वो उन्हें गलत नंबर पर भेज रहे हैं, जिससे कि उनका मनोबल तो टूटेगा ही, उल्टा वो खुद कुछ खास नहीं कर पा रहे। वो खेल रहे हैं तो धीमी गति से, और इतनी धीमी गति से अगर वही खेलेंगे तो आगे चलकर कप्तानी तो वो करेंगे नहीं। ऐसे में उनको अपनी बल्लेबाजी का भी ध्यान रखना होगा और अपने फैसलों का भी। सिर्फ टीम को जिताने से, थके हुए तरीके से काम नहीं बनेगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने भी कहा, एक खिलाड़ी से बार बार खिलवाड़ करना ठीक नहीं होता। अभिषेक शर्मा ने पूरे IPL में ओपन किया, फ्लॉप हुए तब भी ओपन करते थे। आप एक मैच के बाद उनकी पोजीशन बदलने वाले होते कौन है, और पहले आप अपनी बल्लेबाजी में अपना स्ट्राइक रेट तो ठीक करिए। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभिषेक शर्मा को हर कोई आधिकारिक तौर पर आपकी जगह पर ही देखेगा गिल। दोस्तों, सौरव गांगुली ने भी कहा, सलामी जोड़ी का मतलब तूफानी बल्लेबाजी, बस इतना ही सरल है ये। अभिषेक शर्मा मैदान में आके यही तो करते हैं, और अगर गिल ये नहीं कर पा रहे तो उनको अपनी जगह पर भी अभिषेक को भेजना चाहिए, ना कि एक नंबर ऊपर। इससे अभिषेक शर्मा का रिदम टूटेगा और वो खुद ब खुद तो अपना स्ट्राइक रेट तो ठीक कर ले पहले, फिर दूसरों के बल्लेबाजी क्रम से खेले। वहीं दोस्तों, धोनी जैसे दिग्गजों का भी मानना था, रोहित शर्मा का भी, के अभिषेक शर्मा भी जिस अवस्था में है, जिस फॉर्म में है, जिस उम्र में है, अगर वो यहाँ पर एज अ सलामी बैट्समैन सेट हो गए, तूफानी खेलते रहे तो ये उनकी आदत बन जाएगी, जिससे भारत को आगे बहुत फायदा होगा। और शुभमन गिल को अपनी कप्तानी से ज़्यादा ना अपने फैसलों पर विचार करना चाहिए। टीम जीत तो रही है लेकिन सही तरीके से नहीं। दोस्तों, हर कोई गिल के फैसले के खिलाफ है और बल्लेबाजी के भी। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा को ही ओपन करना चाहिए नहीं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे मैच के अंदर भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर उड़े पाकिस्तान के दिग्गजों के होश, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए तीसरे मैच के अंदर भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल
कौन सबसे बेहतर बल्लेबाज है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज हरारे क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए जिम्बाब्वे की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम ने 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए थे, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने 66 रन बनाए थे, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने 36 रनों का योगदान दिया, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रनों का योगदान दिया। हालांकि 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार शुरुआत की, लेकिन इस बीच भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए पाकिस्तान के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने काफी ज्यादा शानदार बल्लेबाजी की। इस मैच के अंदर कप्तान शुभमन गिल ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सभी को बताया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 2 मैचों के अंदर टीम के कप्तान ने कुछ खास कमाल नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीत लिया है और अब मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी और विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं जमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। तीनों ने अपनी बल्लेबाजी के जरिए सभी को प्रभावित किया है और बताया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अगले वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से करने लग गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने तो टीम को शानदार शुरुआत दी थी और रोहित शर्मा की कमी को महसूस नहीं होने दिया, तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने बिल्कुल विराट कोहली की तरह टीम के स्थिति को संभालकर अच्छी बल्लेबाजी की, जो बताता है कि ये दोनों खिलाड़ी रोहित और विराट की जगह लेने के लिए परफेक्ट है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, दोनों की बेहतर बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह तेजी से बल्लेबाजी की और सभी को प्रभावित किया। दूसरी तरफ से विराट कोहली की तरह शुभमन गिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने आज कप्तानी के जरिए भी रोहित शर्मा की झलक दिखाई है और ऐसे में दोनों के प्रदर्शन को देखकर मुझे लग रहा है कि ये दोनों रोहित और विराट की जगह लेने के लिए अब परफेक्ट हैं। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। हालांकि अंत में संजू सैमसन, रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी भी देखने को मिली, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद मुझे लगा कि T20 में भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम के इन सभी युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया और ऐसे में अब इन खिलाड़ियों के चलते भारतीय टीम को अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी भारतीय टीम को फिर से चैंपियन बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैच में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हजारे के मैदान पर तीसरे T20 मुकाबले में जायसवाल और शुभमन गिल का आया जबरदस्त तूफान, जिम्बाब्वे के हर गेंदबाज को ऐसा धोया कि पूरा क्रिकेट जगत देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा? शुभमन गिल और जायसवाल ने कितने रनों का दिया टीम इंडिया के लिए अपना योगदान? किसने लगाई सबसे अधिक छक्के? कैसे जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की हुई बेरहमी से कुटाई? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज अपने नाम गिल की कप्तानी में कर पाएगी या फिर नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से 2 नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट, इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी।
यहां पर भी इनका अंदाज थमने का नाम नहीं लिया। वहीं पांचवी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 15 रनों तक पहुंचाकर शानदार शुरुआत दिला दी। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा, इस बार इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे।